विश्वम कृतस्नम कर्म व्यापारो यस्य सह विश्वकर्मा, अर्थात जो सृष्टि और निर्माण से जुड़े सभी कर्म करता है वह विश्वकर्मा है। भगवान विश्वकर्मा को हमारे यहाँ विश्व की सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। जो भी अपने कौशल्य से किसी वस्तु का निर्माण करता है, सृजन करता है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर सैटेलाइट, ये सब भगवान विश्वकर्मा का प्रकटीकरण है। दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हजारों सालों से स्किल और स्केल पर बल दिया है। उन्होंने स्किल को, हुनर को, कौशल को आस्था से जोड़कर हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा बना दिया है। हमारे वेदों ने भी कई सूक्त भगवान विश्वकर्मा को समर्पित किए हैं। सृष्टि की जितनी भी बड़ी रचनाएं हैं, जो भी नए और बड़े काम हुए, हमारे शास्त्रों में उनका श्रेय भगवान विश्वकर्मा को ही दिया गया है। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि संसार में जो कुछ भी डेवलपमेंट और इनोवेशन होता है वो स्किल्स के जरिए ही होता है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती और उनकी पूजा के पीछे यही भाव है। हमारे शास्त्रों की नजर में हमारे आसपास निर्माण और सृजन में जुटे जितने भी स्किल हुनरमंद लोग हैं वो भगवान विश्वकर्मा की विरासत है। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने आसपास देखिए, लोहे का काम करने वाले हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो, लकड़ी का सामान बनाने वाले हो, बिजली का काम करने वाले हो, घरों में पेंट करने वाले हो, सफाई कर्मी हो या फिर मोबाइल लैपटॉप का रिपेयर करने वाले, ये सभी साथी अपनी स्किल की वजह से ही जाने जाते हैं। आधुनिक स्वरूप में ये भी विश्वकर्मा ही है। आज दुनिया में स्किल्ड लोगों के लिए अवसरों की कमी नहीं है। प्रगति के कितने सारे रास्ते आज स्किल्स से तैयार हो रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी सिर्फ औपचारिकताओं से पूरी नहीं होगी, हमें हुनर को सम्मान देना होगा। हुनरमंद होने के लिए मेहनत करनी होगी, हुनरमंद होने का गर्व होना चाहिए। जब हम कुछ न कुछ नया करें, कुछ इनोवेट करें, कुछ ऐसा सृजित करें जिससे समाज का हित हो, लोगों का जीवन आसान बने, तब हमारी विश्वकर्मा पूजा सार्थक होगी। आइए इस बार हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा पर आस्था के साथ साथ उनके संदेश को भी अपनाने का संकल्प करें। हमारी पूजा का भाव यही होना चाहिए कि हम स्किल के महत्व को समझेंगे और स्किल लोगों को, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उन्हें पूरा सम्मान भी देंगे।